हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में, और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो है। आप देख रहे हैं संगम टुडे, खबर मौसम की है, जहां अब उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 26 से 28 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि 26 से 28 जून तक खास तौर पर कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। लेकिन 29 जून को प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून से उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 25 तारीख है जून की, और आज जो एक्टिविटी है खासकर जो कुमाऊं रीजन है उसमें कहीं कहीं पर रहेगी। उसमें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि कई जगहों अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी जो कुमाऊं के हिल्स है उसमें कहीं कहीं पर रेन थंडरस्टॉर्म आज भी देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक आधुका जगहों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की मध्यम वो देखने को मिलेगी। 26 तारीख में अब जाएंगे तो तब थोड़ा जो एक्टिविटी और बढ़ेगी। कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो उसमें मैं कहूँगा जो है अनेक जगहों तक में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनमें कुछ जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो कल भी देखने को मिलेगी। साथ ही गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम जो बारिश है, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो देखने को मिलेंगी। फिर जब 27 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें करीब करीब ज़्यादातर जगहों में है, और जो गढ़वाल क्षेत्र है इसमें कुछ जगहों में जो है हल्की से मध्यम जो है जो एक्टिविटी वो रहेगी। 28 और 29 की बात करें तो उसमें और भी जो बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। 28-29 में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में, और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो है 28 तारीख को जो है वो देखेंगे कि जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से हिल्स वाले और साथ ही जो देहरादून है या टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें भी इक्का दुक्का जगहों में 28 और 29 में हैवी रेन्स की संभावना बनी हुई है। तो 28-29 में जो वेदर एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। उससे पहले भी जो एक्टिविटी है खासकर कुमाऊं रीजन में वहाँ पर वो रहेगी, और गढ़वाल क्षेत्र में थोड़ी कम है। अगर हम 25-26 को बात करें, 27 में गढ़वाल क्षेत्र में भी कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने शुरू हो जाएगी। तो फिर से जो इस पहले वो आप ये कह सकते हैं कि मुख्यतः 27 तारीख से बढ़ेंगी, पूरे प्रदेश में चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ ये कि जब आप 28 और 29 में जाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, और साथ ही जो भारी से बहुत भारी बारिश है 29 तारीख में उसकी संभावना है जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट संग हिल्स वाले, और इसी तरह जो गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून, टेहरी और पौड़ी की बात करें तो इसमें भी हैवी, वेरी हैवी रेन्स तक जो है 29 तारीख को मिलेगी। 28 को कुमाऊं क्षेत्र में इक्का दुक्का जगहों में भारी बारिश है, और साथ ही आप ये कह सकते हैं देहरादून में भी संभावना भारी बारिश की है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, कुमाऊं क्षेत्र में एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है और गढ़वाल में शुरुआत में कम है, लेकिन 28 से जो है अच्छी एक्टिविटी हमें भी मिलने वाली है। नमस्कार। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना न भूलें।